पुलिस के शिकंजे में आई इस लड़की का नाम है सोनिया। उज्जैन की रहने वाली सोनिया खुद को लेडी डॉन समझती थी। इसे हथियारों का शौक है। इसके सोशल मीडिया पेज पर कट्टे और पिस्टल के साथ फोटो लगा दी थी ताकि उसका खौफ बना रहे। आरोप तो ये भी है कि सोनिया बीच सड़क पर भी हथियार लहराकर लोगों को धमका चुकी है। पुलिस की माने तो आरोपी युवती के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान आईजी साहब, डीआईजी साहब और श्रीमान एसएसपी महोदय, सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में हम उज्जैन में लगातार जो सोशल मीडिया पे जो यंग जो लड़का लड़कियां हैं वो लगातार हथियारों के साथ में या कुछ अन्य ऐसी कमेंट करते हैं जिनसे समाज में माहौल एक भय का माहौल पैदा होता है, तो उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं। आज एक लड़की है जिसने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर लगातार हथियारों के साथ में फोटो डाल रही थी, उसको हमने एक चाकू के साथ पकड़ा है, कार्रवाई की है। इसमें सर कोई लड़की के क्या बैकग्राउंड है, क्या करती है, अभी उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा अभी पता चल रहा है कि और भी कई लोग संपर्क में हैं जो जिस तरीके के ये जो समाज में एक भय का माहौल पैदा हो रहा है, कई लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, उनमें हम लगातार काम कर रहे हैं। पवासा इलाके की रहने वाली ये लड़की गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना आदर्श मानती है। सोनिया ने अपने सोशल मीडिया पर दुर्लभ की तरह माथे पर टीका और गले में गमछा पहनकर कई फोटो डाले हैं। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके संबंध किसी आपराधिक गिरोह से थे या नहीं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।